नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तहसील के नव निर्मित भवन का डीसी ने किया दौरा, लोगों को नहीं आने दी जाएगी परेशानी। तहसील कार्यालय का स्टाफ में कोई भी कमी नहीं आएगी। 12 लाख की लागत से कोताबट पुल का भी होगा निर्माण। जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने रानिया के नव निर्मित भवन तहसील भवन का निरीक्षण करके खामियों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बनाई गई तहसील में सभी सुविधाएं शुरू की जा सके, इसके लिए जिला में प्रत्येक काउंटर पर जाकर के सभी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है और उपमंडल अधिकारी अमित गुलिया, जिला राजस्व अधिकारी RS जांगड़ा, तहसीलदार बलवंत सिंह को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस अवसर पर लोगों से बातचीत करते हुए प्रभजोत ने कहा कि सरकारी कार्यालय कार्य का निर्माण करवाने के लिए और किसी भी प्रकार के सरकारी काम करवाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सभी कार्य बिना किसी भेदभाव के कतारबंद तरीके से करवाए जाएंगे। यदि इसके बारे में किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो वह सीधा जिला उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नियमित रूप से जाँच कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। वहीं तहसील कार्यालय में स्टाफ की कमी को लेकर के कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी ने तुरंत नए भवन का दौरा किया। वह अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उनके काम तुरंत किए जाएं और बिना भेदभाव के, बिना रिश्वत के काम होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने से संबंधित सभी अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। पलपल रानिया से OP वर्मा की विशेष रिपोर्ट। इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, यहाँ पे जो कुत्ताबट से जो रानिया का जो डिस्टेंस है, यहाँ तो बुढ़ी मेडी से होके आते हैं या उनको ऑटो हेड से होके आना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि कुत्ताबट से रानिया डायरेक्ट जो ब्रिज बनाना है उसकी जांच आज मैंने और मेरे अधीनस्थ अधिकारियों ने हमने करी है। तो उसमें गाँव वालों से भी बात हुई है। तो उसमें अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय की 18 तारीख को एक मीटिंग है, उसके बारे में अंतिम निर्णय वहाँ उस मीटिंग में लिया जाएगा। इस बारे में आज निरीक्षण किया गया है। अभी देखिए, इसके बारे में प्रिलिमिनरी मीटिंग चल रही है, अभी डिस्कशन चल रही है रेट को रिगार्डिंग, कि रेट कितना किसान जो मांग रहे हैं, क्या उसमें कलेक्ट्रेट कितना है और किसानों की डिमांड कितनी है। तो अभी काम शुरू होने के बारे में कहना मुश्किल है, इसके बारे में बताना थोड़ा दिक्कत में। रानिया का जो पानी है वो उसमें दिक्कत है, उसमें जो DDNSC से मेरी बात हुई थी, जो अब चीफ इंजीनियर बन गए हैं पब्लिक हेल्थ के, उन्होंने बताया था कि उसके लिए प्रोजेक्ट नहरी पानी वाला उन्होंने हेडक्वार्टर भेजा हुआ है। अब होली गांव में भी स्पेसिफिकली होली एरिया में पानी की दिक्कत है, रानिया प्रॉपर में पानी की दिक्कत है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हुआ है और ये जो प्रोजेक्ट है, मेरे को आशा है कि हेडक्वार्टर लेवल से जल्दी होकर के पब्लिक हेल्थ वाले इसमें शुरू कर देंगे। कुछ ऑपरेटर्स अभी जो ग्रुप डी की भर्तियाँ हुई हैं कुछ उसमें सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ वैकेंसी उसके लिए आ गई है। कुछ हमारा जो सरल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें के सारे सॉफ्टवेयर चलने हैं, हमारा हेडक्वार्टर लेवल पे भी एक अंत्योदय केंद्र बना है, कुछ में वहाँ डिप्यूट करने पड़े हैं। तो जो हमारे, क्योंकि यहाँ तहसीलदार जो नायब तहसीलदार थे उन्होंने भी रिज़ाइन किया है पिछले दिनों, उनकी जगह हमें एडिशनल चार्ज देना पड़ा है। तो अभी जो नायब तहसीलदार आए हैं इनको मैंने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर सिचुएशन को असेस कर ले और जो कमी पेशी यहाँ पे है हम उसको, मतलब पूरा प्रयास है हम यहाँ पे किसी प्रकार की, क्योंकि नई तहसील है, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो, हमारा प्रयास यही है कि मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को पहुँचाया जाए। लेकिन अगर उनका मान लीजिए कोई BPL को तो नहीं हो पाता है, BPL वगैरह में उनकी अगर एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो एक्सेस करवा सकते हैं। BPL में जुड़ने से उनको काफ़ी सुविधाएँ मिल सकती हैं, जैसे फ्री इलाज हो सकता है, जो राशन वगैरह उनको कम रेट पर मिल सकता है, रेड क्रॉस की सहायता भी नहीं कर रहा है। वो आप हमें BPL के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, BPL में हम चेक करवा सकते हैं कि BPL बढ़ रहा है। वो हमारी जो कम्युनिटी बैठती है, शहर में रहते हैं या कम शहर में रहते हैं, तो कंसर्न आपके जो ये सेक्रेटरी हैं इनके पास वहीं कलेक्टर ही चेक करके भेजेंगे, इनके रिकमेंडेशन देखकर BPL में। लेकिन आर्थिक सहायता का हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, जो रेड क्रॉस का है वो बहुत पहले बंद हो चुका है।
इधर जल्दी।